सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ रणदीप सिंह, स्वागत करता हूँ आपका परफेक्ट टाइम लाइन में। हर वक्त हमारी कोशिश रहती है कि हमारी प्यारी आवाम, हमारी जनता, उनके लिए जो भी इनके सवाल होते हैं या कोई भी बात होती है, उनको क्लियर करने की हमारी कोशिश रहती है। इस समय हम पहुँचे हैं आरटीओ ऑफिस में, जहाँ पे कुछ टाइम हमारी कुछ आवाम के कुछ सवाल थे जो हमारे पास आए हुए हैं, जिसमें हम पूरी क्लेरिफिकेशन करेंगे और उनको दिक्कत ना हो। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो सर, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय पहले भी मैं बहुत आया था आपसे पहले यहाँ पे, बड़ा शोर शराबा यहाँ रहता था, लेकिन अब वैसा देखने को नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी सुधार हुआ है इस चीज़ में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जैसे आरटीओ जम्मू का है, यहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता था, 3 से 4 हज़ार के करीब लोग पर डे यहाँ पे विजिट करते थे अपने काम के लिए, डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद क्या हुआ कि पिछले 2-2.5 सालों में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा विकास किया, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिए कि हमारी मैक्सिमम जो सर्विसेज जो सेमी ऑनलाइन थी या मैनुअल थी, उनको फुली ऑनलाइन कर दिया गया है। जहाँ पे जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, वहाँ अपना सारथी पोर्टल पे आप रिन्यूअल है, डुप्लीकेट है, रिप्लेसमेंट है, कोई भी चीज़ है, वो आपको उसके लिए खुद आने की जरूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको लाइसेंस बाई पोस्ट घर आता है। इसी तरह जो वाहन पोर्टल है ड्राइविंग लाइसेंस अपना व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज के लिए, वहाँ पे भी आपके जैसे कोई रिन्यूअल है, आपकी आरसी की करेक्शन है, रूट परमिट का, तो वो चीज़ें भी आपकी ऑनलाइन है, जिसमें भी आपको खुद आने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि जितनी ये सर्विसेज हमारे तकरीबन 2-2.5 सालों में 30 के करीब सर्विसेज ऑनलाइन हुई है, और बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन में डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इंस्ट्रक्शन भी इशू की कि इन सर्विसेज के लिए आपको ऑफिस में नहीं आने दिया जाएगा और ना ही आपको कोई एंटरटेन करेगा। अब जो हमारी मैनुअल सर्विसेज हैं, मैनुअल मतलब सेमी ऑनलाइन है, जैसे आपका ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स है या जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल रोड में होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो ज्यादा रश आपको यहाँ लगता था, वो लगता था लाइसेंस के रिलेटेड, जैसे लर्नर लाइसेंस हमारे होते थे तो यहाँ पे बड़ा रश लगता था। वो सारी चीजें आप गवर्नमेंट ने खत्म नहीं की है, बट आप घर में मतलब ऑनलाइन सर्विस करके अपने घर से आप बना सकते हो, इसलिए ये रश कम है। और आने वाले दिनों में आपको ये रश भी और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो ट्रांसफर ऑफ व्हीकल सर्विस है वो भी ऑनलाइन हो रही है, जो आधार बेस्ड होगी और आप घर से अपनी गाड़ी को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, आपको इसका ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। सर, आप हमारी आवाम के लिए कुछ सवाल थे जिसमें कुछ परेशानी आई है। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड से जो लोग यहाँ पे आते हैं रजिस्टर करने के लिए, 9% टैक्स जो है, क्या अभी भी लिया जा रहा है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि ये जो 9% री रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो टोकन टैक्स था, इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कुछ लोगों ने, अभी तक ऑनरेबल हाईकोर्ट से कोई फाइनल जजमेंट इसमें नहीं आई है। अब हम जो हमारे जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का जो फ्लाइंग स्क्वाड है, हम लोग जिसके बाद जो री रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हम किसी को इन्फोर्समेंट में, क्योंकि 1 साल का टाइम है इसमें, तो हम किसी को इसमें चलानी वगैरह नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो बंदा यहाँ पे कोई पर्सन अगर आना चाहता है और अपनी गाड़ी को री रजिस्टर करवाना चाहता है, तो एज ऑफ नाउ उसको 9% टैक्स में प्रो रेटा बेसिस पे, जितनी उस गाड़ी की लाइफ बची है उतनी ही लाइफ का टैक्स में उसको देना पड़ेगा। सर, मेरा एक सवाल और था कि ये कहा गया था कि ड्राइविंग लाइसेंस थे जिसमें जो लगभग बैकलॉग की अगर हम बात करते हैं, तो बैकलॉग में जो है उनके जो डेट दी जाती है 1 साल, यहाँ पे 2020 दी गई एग्जाम्पल तौर पे, जब वो यहाँ पे आते हैं टाइम के मुताबिक, तो उसे 1 साल पुरानी डेट डाल के कोई 2019 तक कहा जाता है कि ये खत्म हो गया या वगैरह वगैरह, उसके बारे में जो जनता के सवाल थे कि रिकॉर्ड्स रहते हैं क्या? ऐसा नहीं है, जैसे आपने कहा कि मैं आपको पहले ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस पुराने इशू हुए हैं वो ऑनलाइन मोड में नहीं थे, जैसे जिस पे चिनार का पता बना होता है वो ऑफलाइन कार्ड है, कार्ड प्रिंटेड है जी। अब यहाँ पे जैसे आपने बात की कि कोई आता और यहाँ पे 1 साल पीछे किया जाता, ऐसा नहीं है जी। उसमें क्या है कि कुछ केसेस में जो आपके पास भी आए होंगे, कुछ केसेस में ऐसा है कि उस जो ओनर है या एप्लीकेंट है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस 2020 तक वैलिड है या 22 तक वैलिड है, लेकिन उसका जो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड होते हैं उसमें वो 1 साल पीछे है या 2 साल पीछे है या जो भी कोई वेरिएशन आ सकती है, वैसे केसेस हो सकते हैं। वैसे केसेस में हम चलते हैं हमारा जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है उस बेस पे, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है, उसकी अथेंटिसिटी हमारे पास नहीं है कि ये जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि उस ऑनलाइन ऑफलाइन आज से 20 साल पहले उसने वो कार्ड लिया है, उसकी कितनी वैलिडिटी है हम अपने रिकॉर्ड से देखते हैं। ज्यादा केसेस नहीं है, जैसे 100 में मुझे 1-2 केसेस ऐसे आ जाते हैं बीच में जिसमें किसी की वैलिडिटी जो है 6 महीने या साल कम हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से होती है, तो उसमें हमारे पास प्रोविजन है जो एज पर मोटर व्हीकल एक्ट का जो प्रोविजन है कि रिसेंटली 2019 में अमेंडमेंट हुई है कि अगर किसी का साल से ज्यादा एक्सपायरी हो जाती है तो उसको हम ट्रायल देके फिर से नया लाइसेंस इशू कर जाते हैं, तो ऐसा इसको इशू नहीं है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। हाँ, जिसमें कहीं कोई आपके नोटिस में कोई ऐसा आदमी आया है तो वो हमें दिखा सकता है, अगर रिकॉर्ड में उसका वेरिएशन आ रही है तो हम एज पर आवर ओन ओरिजिनल रिकॉर्ड जाएंगे, उसका जो मैनुअल कार्ड है उस पर हम बिलीव नहीं कर सकते।
सर अभी कुछ टाइम पहले काफी नाके भी लगे, बड़े बड़े नाके, ऑटो की अगर बात करता हूँ तो मीटर के लिए बात हो रही थी, तो उस मीटर की कार्रवाई अभी तक मतलब नहीं पूरी हुई जहाँ तक देखा जाए तो, क्योंकि कहा गया था कि काफी हैवी चार्जेस लिए जाते हैं पैसेंजर, तो उसमें लोग बड़ी दिक्कत है, उसमें उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए जो हमारी इन्फोर्समेंट है ट्रैफिक पुलिस कंटिन्यू कर रही है, हमारे लोग भी जो नाकाज लगवाते हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का जो फ्राइंस कार्ड है, हम लोग तो ज्यादा नहीं जा पाते, इनकी चेकिंग हो रही है, जो भी कोई वायलेशन पाई जाती है, जहां पे ऐसा नहीं है कि ये मीटर लगे नहीं है, मीटर हर ऑटो में लगा हुआ है और फंक्शनल मीटर है जी। सिर्फ प्रॉब्लम हमें ये बीच में आती है कि वो मीटर यूज नहीं किया जाता जब गाड़ी चलाते हैं, ये वायलेशन होती है जो हम उनको पकड़ते भी हैं, अदरवाइज जो भी व्हीकल जब फिटनेस के लिए हमारे पास आता है वो तब तक फिट नहीं होता हमारे बोर्ड से जब तक उसको मीटर फंक्शनल मीटर लगाना हो। जहां तक आपने बात की कि इनकी वायलेशन के लिए चेकिंग तो हमारी चल रही है, हमने कई ऑटो पिछले अगर आप एक डेढ़ महीने में देखोगे तो तकरीबन 500-600 के करीब हमने चलानिंग की हुई है ऑटो की, वो अभी भी चल रही है, कंटिन्यू है, इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। साथ में जहां पे ओवर चार्जिंग है तो मैं अपने माध्यम से लोगों से भी ये अपील करूंगा कि जहां आपको कोई ओवर चार्जिंग का ऐसा आता है तो जो हम लोग तो ग्राउंड में नहीं होते हैं रोड पे, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस वाले लोग हर चौक पे खड़े हैं आप उनकी नोटिस में लाइए, ऐसा नहीं कोई एक्शन नहीं लेगा। हाँ अगर आपको कोई एक्शन नहीं लेता फिर आप ग्रीवेंस बता सकते हो, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि सभी में तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन जब मैं भी कहीं नाका लगाता हूं तो कुछ लोग जो पैसेंजर उसमें बैठे होते हैं वही हमसे मिल जाते हैं, नहीं जी हमने तो पैसे दिए नहीं है ज्यादा, ये हमसे कम लिए हैं, तो या तो वो उसी टाइम जैसे ही हमें देखेंगे अगर नाके पे तो अपना मीटर ऑन कर देते हैं, तो इस टाइप के चलते उसमें पब्लिक की सपोर्ट चाहिए तभी हम इस मैनेज को रोक पाएंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल सर मेरा, आपका कीमती समय हमने यहाँ पे लिया और आपको बता दें कि आखिरी सवाल ये है कि 24 तारीख तक जो है ट्रायल्स बंद है, तो कई लोगों को कंफ्यूजन है कि उसके बाद क्या, कोविड 19 की तीसरी महामारी को देखते हुए काफी केसेस आ रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे? देखिए ये सबसे बड़ा अच्छा सवाल आपने कि मेरे को भी कॉल आती है, इसमें ऐसा है कि जैसे जानते हैं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी। कल हमारा जो कोविड की जो डाटा आया हुआ है वो इतना ज्यादा है कि पिछले साल मई में इतना डाटा था जी, जितने पर डे केसेस हमारे यहाँ आ गए, हमारे जितने भी ट्रायल्स हैं 24 तक जैसे आपने बात की वो सारे कैंसल्ड हैं, हमने मंडे से कैंसिल किए हुए थे, और अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे मतलब आगे भी अगर ये कोरोना केसेस बढ़ते रहे तो हमारे जो फर्दर जो स्लॉट हैं 26 के बाद के वो भी कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें हमने एक प्रोविजन लोगों के लिए रखा हुआ है कि जब ये कोरोना कम हो जाएगा जिन लोगों के स्लॉट्स कैंसिल हो गए हैं इनके लिए हम न्यू नोटिफाई जो डेट्स नोटिफाई करेंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया हम हर जगह वो दे देंगे। अभी एज ऑफ नो लोगों को बिल्कुल आराम से घर बैठने की जरूरत है, कहीं भी आप ऑफिस में नहीं आइए क्योंकि हमने कैंसिलेशन के नोटिस हर पेपर में दे दिया हुआ है, हर मीडिया में आ गया है कि भाई फिलहाल ट्रायल जो है कैंसिल है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि अगर ये हालात थोड़े ठीक हो जाते हैं तो हम जो ये नए ट्रायल्स की डेट आपको फिर हम इंटीमेट कर देंगे, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ इसमें एक कंडीशन है कि आपका लर्नर लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, जिन लोगों का लर्नर लाइसेंस वैलिड नहीं रहेगा तो उनको मेरी एडवाइस रहेगी कि आप घर बैठे अपना लर्नर लाइसेंस रिन्यूअल करा लीजिए, उसको एक्सटेंड करा लीजिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप बता दें कि हम आपको हमारी आवाम के कुछ सवाल थे जो आज हमने आरटी ऑफिस में आके ऑफिस साहब से पूछे हैं, कुछ और भी आपके सवाल हो आप हमें कमेंट साइड पूछ सकते हैं, जनता अपनी राय जरूर दे, बाकी जो क्लियरनेस थी आपकी हमने आपको क्लियर कर दी है। बहरहाल देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन, मेरे कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।